आज हम मेदू वड़ा बनाएंगे। उसके लिए 200 ग्राम उड़द दाल लिए हैं। दाल को हम 6 घंटा पहले ही पानी में भिगो कर रख दिए थे। आप इसे ओवरनाइट भी भिगो कर रख सकते हैं। उसके बाद इसे अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। एक प्याज लिए हैं, इसे बारीक काट लिए हैं। 2 हरी मिर्च लिए हैं, इसे भी बारीक काट लिए हैं। अदरक लिए हैं, इसे भी बारीक काट लिए हैं। कढ़ी पत्ता लिए हैं। हरा धनिया पत्ता लिए हैं, इसे भी बारीक काट लिए हैं। सबसे पहले हम उड़द को पीस लेंगे। उड़द को मिक्सी जार में निकाल लेंगे। अदरक डाल लेंगे, हरी मिर्च डाल लेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसका हम अब पेस्ट बना लेंगे। उड़द को पीस लिए हैं, अब इसे मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। इसमें प्याज डाल लेंगे, धनिया पत्ता डाल लेंगे, कढ़ी पत्ता डाल लेंगे, हरी मिर्च डाल लेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल लेंगे, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल लेंगे, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल लेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो बड़ा चम्मच चावल के आटा डालेंगे, इसे बड़ा क्रिस्पी बनेगा। सबको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, अब हम बड़ा बना लेंगे। उसके लिए एक हम कटोरी लिए हैं, इसके पीछे से पानी लगा देंगे। इसके मिक्सचर को पीछे में रख करके अच्छे से फैला देंगे। फैलाने के बाद इसके बीच में छेद कर देंगे। आपको ज़्यादा बनाने का एक्सपीरियंस है तो आप इसे हाथ से भी बना करके उसमें डाल सकते हैं। अब इसे तेल में डाल देंगे। आप इसे हाथ से भी बना सकते हैं, थोड़ा सा डो लेकर के और इस तरह से इसमें छेद कर देंगे और इसे डाल लेंगे। एक बार में ज़्यादा बड़ा ना डालें। इसे पलट कर दोनों तरफ से पका लेंगे। इसे बनाते टाइम गैस को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। हाई फ्लेम पर रखने से ये बाहर से जल्दी पक जाएगा और अंदर से अच्छे से नहीं पकेगा।
अच्छे से पक गया है, इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी के सारा बना लेंगे। देख सकते हैं कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, खाने में भी ये बहुत अच्छा लगेगा। आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में या शाम में स्नैक्स में भी खा सकते हैं। आप भी बनाइए और मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिए कि कैसा बना। मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।